फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल ईएफबी इंग्लिश फ्रॉम बिगनिंग। फ्रेंड्स, आज हम देखने जा रहे हैं क्या लेसन 81, जहां पर हम देखेंगे कि इन्वर्टेड कॉमा के अंदर यानी रिपोर्टेड स्पीच में हमारा जो सेंटेंस होगा ना, उसकी शुरुआत कहां से होगी, लेट से होगी। अब ऐसी कंडीशन में हमें क्या करना होगा और कौन से रूल हमें फॉलो करने होंगे, वो सारी चीजें मैं आपको बताने जा रहा हूँ। बड़े ही ध्यान से वीडियो को देखिएगा ताकि सारी बातें आपको आसानी से समझ में आ जाए। तो फ्रेंड्स, वीडियो को आगे बढ़ाते हैं और कुछ एग्जांपल लेकर इसको समझने की कोशिश करते हैं। देखिएगा, अगर मैंने आपसे कहा होता सी सर लेट मी प्ले क्रिकेट, तो आप ध्यान से देखिए कि इन्वर्टेड कॉमा के अंदर का जो सेंटेंस है ना, इसकी शुरुआत कहां से होगी, लेट से होगी। अभी लेट क्या होता है, हम लोगों ने पहले कभी लेट को पढ़ के रखा है। लेट के ठीक बाद यहां पर कोई ना कोई ऑब्जेक्ट ही प्रोनाउन आता है, यानी यहां पर कोई ना कोई क्या आएगा, ऑब्जेक्ट आएगा और उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। अगर ऐसी कंडीशन का कोई सेंटेंस आ रहा है जिसकी शुरुआत कहां से हो, लेट से हो, तो हमें क्या करना होगा, वही सारी चीजें हम इस वीडियो में पढ़ने जा रहे हैं। तो यहाँ पर ध्यान से देखिएगा, पहली बात तो ये कि यहाँ पर मैंने किसी प्रकार का कोई ऑब्जेक्ट यहाँ पर ऐड नहीं किया है। अब ऐसी कंडीशन में करना क्या होगा, इसको समझिए। अगर लेट से स्टार्ट होने वाले सेंटेंस से इच्छा का बोध हो रहा है, जैसे अगर ये लड़की है और ये कहती है कि लेट मी प्ले क्रिकेट, तो वो क्या कह रही है कि मुझे क्रिकेट खेलने दो या फिर मुझे क्रिकेट खेलने दीजिए। अगर मैंने आपसे कहा होता कि लेट मी गो आउट, तो मैंने आपसे क्या कहा, अपनी इच्छा ही तो जाहिर की है ना कि मुझे बाहर जाने दीजिए। अगर आपने मुझसे कहा होता कि लेट मी वॉच मूवी, तो इसका मतलब क्या है कि आप मुझसे कह रहे हो कि मुझे मूवी देखने दो। ऐसी कंडीशन में क्या हुआ था, हम लोगों ने अपनी इच्छा की ही बात की थी। और ऐसी कंडीशन में करना क्या है कि इस सेट को विस्ड में बदल देना है। सी का मतलब होता है क्या, कहना, और विस्ड का मतलब होता है क्या, इच्छा करना। यहाँ पर ध्यान दीजिए, ये जो सेट लिखा था ना, इस सेट को हमें विस्ड में बदल देना होगा, WISHED। सभी जगह आपको ऐसा ही करना होगा। तो ये थी हमारी क्या डायरेक्ट स्पीच, इसको इनडायरेक्ट बदलते हैं और कैसे बदलेंगे वो ध्यान से देखते रहेगा। तो सबसे पहले मुझे यहाँ पर क्या लिखना होगा, सी लिखना होगा, यानी रिपोर्टिंग सब्जेक्ट को कॉपी करना होगा। अब इस सेट को हमें क्या कर देना है, विस्ड में बदल देना है, WISHED, सी विस्ड। इस इन्वर्टेड कॉमा को तोड़ने के लिए हमें दैट का यूज करना होगा। तो याद रखिएगा कि अगर हमारे सेंटेंस की शुरुआत लेट से हो रही है और अगर उससे इच्छा का बोध हो रहा है, तो ऐसी कंडीशन में हमें सेट को विस्ड में बदलना है और इन्वर्टेड कॉमा को तोड़ने के लिए हमें दैट का यूज करना होगा। इसके ठीक बाद हमें क्या करना होगा, सब्जेक्ट को लिखना होगा। देखिए, लड़की है और ये कहती है कि लेट मी प्ले क्रिकेट, तो इस मी का मतलब किससे हो गया, इस सी से। भाई क्रिकेट कौन खेलेगा, वो लड़की ही खेलेगी ना। तो अब आगे का जो सेंटेंस है ना, वो किससे बनाया जाएगा, उसको देखते जाइएगा। हमें क्या रखना होगा, यहाँ पर सी रखना होगा। और आगे का जो सेंटेंस है उसको शुड से आपको बनाना है। क्या आपको याद है, कभी हम लोगों ने शुड पढ़ा था और शुड का मतलब क्या होता है, चाहिए। तो लेट से स्टार्ट होने वाला अगर सेंटेंस जिससे इच्छा का बोध हो रहा है, ऐसी कंडीशन में सेट को हमें विस्ड में बदलना होगा, इन्वर्टेड कॉमा को तोड़ने के लिए दैट का यूज करना होगा, दैट के ठीक बाद इस ऑब्जेक्ट का रिलेशन बनाकर इसका सब्जेक्ट लिख देना होगा और आगे का जो सेंटेंस होगा वो शुड से बनाया जाएगा। तो सेंटेंस क्या बनेगा देखते जाइएगा, शी शुड प्ले क्रिकेट। तो आप देख सकते हैं ध्यान से, ये हमारी क्या थी डायरेक्ट स्पीच और ये हमारी क्या बन चुकी है, इनडायरेक्ट स्पीच। अब फ्रेंड्स एक एग्जांपल और लेते हैं और उसको भी आप ध्यान से देखते जाइएगा, समझते जाइएगा। देखिएगा, अगर मैंने आपसे कहा होता ही सैड और उसके बाद उसने क्या कहा, लेट मी गो आउट, तो उसने क्या किया है, बाहर जाने की अपनी इच्छा जाहिर की है और उसने कहा क्या कि लेट मी गो आउट, मुझे बाहर जाने दो। ये होगी हमारी डायरेक्ट स्पीच। अब इसको इनडायरेक्ट करते हैं, तो क्या करना पड़ेगा, हमें यहाँ पर ही लिखना होगा, सैड को विस्ड में बदल देना है, WISHED, ही विस्ड। इन्वर्टेड कॉमा तोड़ने के लिए क्या रखा हम लोगों ने, दैट। अब यहाँ पर हमें क्या करना होगा, इस मी का रिलेशन बनाना होगा, तो मी का रिलेशन किससे बन गया, ही से। तो यहाँ पर हमारा सब्जेक्ट क्या हो जाएगा, ही, और उसके बाद क्या आ जाएगा, शुड, फिर क्या आएगा बताइए, गो, और गो के बाद क्या, आउट। तो ये थी डायरेक्ट स्पीच, ये बन गई हमारी क्या, इनडायरेक्ट स्पीच। क्या लिखा मैंने, ही विस्ड दैट, ही शुड गो आउट। अब फ्रेंड्स एक एग्जाम्पल और लेते हैं, इसको भी ध्यान से देखिएगा।
अगर मैंने आपसे कहा होता यू शैड और फिर आपने कह दिया कि लेट मी सिंग अ सॉन्ग, ये आपने कुछ इस प्रकार से बोला कि लेट मी सिंग अ सॉन्ग, तो गाना कौन गाएगा? गाना तो आप गाओगे ना। तो हमारा सेंटेंस क्या बनता है, देखिएगा सबसे पहले क्या रखा हमने यहाँ पर, यू लिखा, उसके बाद क्या आएगा विच आएगा, फिर क्या लिखना पड़ेगा दैट लिखना पड़ेगा। अब यहाँ पर देखिए इसमें का मतलब फिर से हो गया यू से, तो हमें यहाँ पर क्या लिखना होगा यू लिखना होगा, फिर क्या आएगा शुड, और शुड के बाद क्या आ जाएगा सिंग अ सॉन्ग, एस आई एन जी सिंग अ सॉन्ग। तो फ्रेंड्स उम्मीद करता हूं कि आपको सारी बातें समझ में आ गई होंगी। मैं फिर से एक बार सारी चीजों को रिपीट करता हूँ, ध्यान से सुनिएगा कि अगर हमारे इन्वर्टेड कॉमा के अंदर का जो सेंटेंस है जिसको रिपोर्टेड स्पीच कहते हैं, अगर उसकी शुरुआत लेट से हो रही है और इसमें इच्छा का बोध किया जा रहा है, तो ऐसे कंडीशन में सबसे पहले हमें रिपोर्टिंग सब्जेक्ट को कॉपी कर लेना है, इस सेट को वेस्ट में बदल देना है, इस इन्वर्टेड कॉमा को हटाने के लिए हमें दैट का यूज करना होगा, इसके ठीक बाद सब्जेक्ट को रखिए और आगे का वाक्य किससे शुड से बना लीजिए। अगले वीडियो में हम लोग देखेंगे कि हमारे सेंटेंस की शुरुआत तो लेट से होगी लेकिन वहां पर इच्छा नहीं एक प्रस्ताव या फिर एक सुझाव का बोध होगा, और ऐसी कंडीशन में हमें क्या करना होगा, ये सारी चीजें हम लोग अगले वीडियो में पढ़ेंगे। तो मिलते हैं फिर आपसे अगले वीडियो में, सी यू नेक्स्ट वीडियो, टिल देन बाय बाय।